हेलो फ्रेंड्स, आपण मानक गुरुकुल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूट्यूब चैनल को स्वागत। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो रे आम जेकोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पाई सब्जेक्ट भाव एग्रीमेंट एग्जाम रे आसुची, तो ता ऊपर डिटेल्स आम जानिबा, किछि नोट्स जानिबा, किछि रूल्स जानिबा, किछि फॉर्मूला जानिबा। तो फ्रेंड्स, आपण यदि प्रथम थर चैनल को आसीछंती निहाती भाबे सब्सक्राइब करंतु एवं नोटिफिकेशन बटन को ऑन करंतु, जाद्वारा आपण नोटिफिकेशन पाई पारिबे जेते बेले वीडियोटा अपलोड करा हेबो। तो आज प्रथम प्रश्न अच्छी देखंतु, द टीचर विथ ऑल हर स्टूडेंट्स डैश कम, द टीचर विथ ऑल हर स्टूडेंट्स डैश कम, रवि एज वेल एज हिज फ्रेंड्स डैश रेस्पॉन्सिबल फॉर द जॉब, द न्यू कमर एलोंग विथ द लेक्चरर्स डैश कमिंग। तो कौन हेबो करेक्ट आंसर आम देखा। फ्रेंड्स, आम जाचे जे जदि गोटे सेन्टेन्स एवं दुईटा सब्जेक्ट थी, इट इज टीचर गोटे सब्जेक्ट, हार स्टूडेंट्स गोटे सब्जेक्ट, दुईटा सब्जेक्ट अच्छी। तो दुईटा सब्जेक्ट जदि विथ द्वारा कनेक्ट होते हैं प्रथम सब्जेक्ट हिसाब से भार्व हेबो, आउ हार स्टूडेंट्स को देखिक तुम जब प्लुराल करदेव तेल भूल हो कहीं दि टीचर हिसाब से हेबो, टीचरटा सिंगुलर अच्छी एवं सेंटेंस रे विथ अच्छी। तो फर्स्ट सब्जेक्ट हिसाब से बाहर हो तो टीचर कौन आसीबो हैज, टीचर हैज कम। सेकेंड टा देखिबा, रवि एज वेल एज हिज फ्रेंड्स डैश रेस्पॉन्सिबल फॉर द जॉब, रवि एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, एठी मध्ये दुईटा सब्जेक्ट रहिला, गोटे रवि आ गोटे हिज फ्रेंड्स। तो देखो हिज फ्रेंड्स हिसाब से तुम जब ये कौन अच्छे सेकेंड भार आर किंबा हिज, तुम्हें जी आर करदेव से भूल हो कहीं जदि सेन्टेन्स एज वेल एज थी एवं दुईटी सब्जेक्ट से फास्ट सब्जेक्ट हिसाब से भार हो तो रवि हिसाब से भारटा हे तो कौन हम ना इज हे। तापर देखा दि न्यू कमर एलंग विथ दि लेक्चरर्स, ये से सेम रूल जेहेतु एलंग विथ द्वारा ये कनेक्ट होती तो कौन हम दि न्यू कमर, दि न्यू कमर हिसाब से भारटा हे जेहेतु न्यू कमर गोटे सब्जेक्ट अच्छी, दि लेक्चरर्स गोटे सब्जेक्ट अच्छी, यहाँ वन एटा टू एवं एलंग विथ द्वारा ये कनेक्ट होती तो से कौन हम फास्ट सब्जेक्ट हिसाब से प्रथम सब्जेक्ट हिसाब से बाहर होटा हो सिंगुलर दि न्यू कमर इज। तो आम आंसर कौन हो हैज इज इज ऑप्शन टू हो करेक्ट। नेक्स्ट, नॉट ओनली द बॉय बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स डैश इक्वली गिल्टी, द बॉय और हिज फ्रेंड्स डैश टू रिपेयर द ब्रोकन विंडो, नाइदर द ओल्ड मैन नॉर हिज सन्स डैश प्रिपेयर टू सेल देयर ओल्ड हाउस। तो देखिबा एठी कौन होउछि, नॉट ओनली द बॉय बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स, तो हिज फ्रेंड्स अच्छी, तुम्हें जी हिज फ्रेंड्स को देख ये दुईटा सब्जेक्ट अच्छी, देख दि बॉय गोटे अच्छी, हिज फ्रेंड्स गोटे अच्छी, दि बॉय हिज फ्रेंड्स आउ का द्वारा कनेक्ट होती नॉट ओनली बट ऑल्सो द्वारा कनेक्ट होती। जदि सेंटेंस रे नॉट ओनली बट ऑल्सो लगि दुईटा सब्जेक्ट थी सेकेंड सब्जेक्ट हिसाब से भार्व हेबो, नॉट ओनली दि बॉय बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स टा प्लुराल अच्छी तो आर हेबो, कौन हेबो ना आर हेबो। नेक्स्ट, दि बॉय और हिज फ्रेंड्स डैश टू रिपेयर दि ब्रोकन विंडो, दि बॉय और हिज फ्रेंड्स डैश टू रिपेयर दि ब्रोकन विंडो, ये दुईटा सब्जेक्ट रहा, दि बॉय गोटे रहा, हिज फ्रेंड्स गोटे रहा, आउ का द्वारा कनेक्ट होती और द्वारा कनेक्ट होती, तो और द्वारा जब कनेक्ट हो दुईटा सब्जेक्ट थी सेकेंड सब्जेक्ट हिसाब से भार हे, तो दि बॉय और हिज फ्रेंड्स कौन हेब हैव टू रिपेयर दि ब्रोकन विंडो, हैव टू रिक्वायर दि ब्रोकन विंडो, फ्रेंड्स हिसाब से बाहर होगा। तापर देखा, नाइदर दि ओल्ड मैन नॉर हिज सन्स डैश प्रिपेयर टू सेल देयर ओल्ड हाउस, तो ये कौन अच्छी ना नाइदर नॉर लगी दुईटा सब्जेक्ट अच्छी, दि ओल्ड मैन गोटे अच्छी, हिज सन्स गोटे अच्छी, तो नाइदर नॉर लगी सेकेंड सब्जेक्ट हिसाब से बाहर हे तो ये आर हे, तो कौन आंसर होगा आर हैव आर। तो फ्रेंड्स, जदि आपण चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ, जेकोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप प्रिपेरेसन करुँच चैनल सहित कनेक्ट होती रुंतु,
निहाती भावे गोटे लाइक करंतु एवं प्राक्टिस सेट जदि नै नहंती निहाती भावे नियंतु। व्हाट्सएप नंबर आरंभ रु दिया हिची देखिबा तापरे द सीजर्स डैश ओल्ड माय ट्राउजर्स डैश बीन क्लीनड ए पेयर ऑफ सूज डैश लाइंग इन दि कर्नर। तो सीजर्स ट्राउजर्स एमाने सबु बिले कोन करंती प्लुराल भार्ब नियंती स्पेक्टाकल्स हैला। तो कौन हे दि सीजर्स आर ओल्ड माय ट्राउजर्स बीन जेहेतु लगे आर लगे ना माय ट्राउजर्स प्लुराल हे हैव आउ ए पेयर अफ जो लग जाऊँ ये जो सुज अच्छी ट्राउजर्स अच्छी सीजर्स अच्छी सब बेले सिंगुलर भार्ब हे केवल सीजर्स जो रोज प्लुराल भार्ब ए पेयर अफ जो लगेगा सिंगुलर भार्ब तो ए पेयर अफ सुज व्वाच लाइंग इन दि कर्नर। तो आर हैव व्वाच आर हैव व्वाच हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दि रिच डैश ए लट अफ रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स दि पुअर दि ब्लाइंड डैश एस्कॉर्ट टू क्रॉस ए रोड। तो देख ये जी तुम रिच को देख ये रिच लिखाई रिचटा सिंगुलर पर देखा जाऊँगी ब्लाइंड मध्य सिंगुलर पर देखा जाऊँगी तुम्हें जब सिंगुलर भार्ब करदेव भूल हो कहीं गोटे जाति को बुझाऊ माने धनी मानकर गरीब मान प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी रही गोटे जाति को जेहेतु बुझाऊँ तो यहाँ प्लुराल हे तो दि रिच हैव ए हे दि ब्लाइंड जिते रास्ता क्रॉस कर जो ब्लाइंड एस्कॉर्टर साहय दरकार पड़े माने सहायता दरकार पड़े तो यहाँ मुझे प्लुराल हे तो नीड तो फास्ट ऑप्शन हो जीवो। तापर देखिबा गुलिभर्स ट्रैवल्स डैश रिटर्न बाय जोनाथन स्विफ्ट गुलिभर्स ट्रैवल्स डैश रिटर्न बाय जोनाथन स्विफ्ट एटा भूल करिबा दरकार नहीं कहीं ट्रैवल्स जो लिखाई तुम्हें प्लुराल भाव भूल हे तो यहाँ गोटे बहर ना गुलिभर ट्रैवल्स बहर ना जेहेतु व्वाच मैथमेटिक्स इकोनोमिक्स जमी सिंगुलर भार्ब हुए ये सिंगुलर भार्ब हो। इट इज यू हु डैश रॉन्ग्ड मी इट इज यू हु डैश रॉन्ग्ड मी इट इज ही हु डैश टर्न माई बुक। तो देख इट इज अच्छी यू सहित कौन हैव इट इज यू हु हैव रॉन्ग मी इट इज ही सहित कौन हैज हे तो इट इज जो लगी जहाँ थी सब्जेक्ट से हिसाब से हि अच्छी यू अच्छी हिसाब से भार्ब हे। नेक्स्ट मम्स डैश वेरी अनप्लीजेंट मम्स यहाँ तुम जब आर कर भूल हो आर कर भूल हो मम्स कौन मम्स गोटे रोगर ना मम्स मिजिल्स रिकेट्स ये गोटे रोगर ना तो सब सिंगुलर है मम्स इज भेरी अनप्लीजेंट। तापर देखा आइदर अफ दि बॉयज डैश ओन दि मेडाल आइदर अफ दि बॉयज डैश ओन दि मेडाल आइदर अफ दि बॉयज तुम जब बॉयज को देखिए करदेव प्लुराल भूल हो कहीं आइदर अफ मैंने कौन जड़े को बुझाऊँ आइदर अफ दि बॉयज मैंने से मैंने दुजों भितर जड़े तो सिंगुलर को बुझाऊँ आइदर अफ दि बॉयज हैज ओन दि मेडाल हैज ओन दि मेडाल। सोम हनी डैश लेफ्ट इन दि पट सोम हनी हनी तुम कौन सिंगुलर काउंटेबल नाउन हिसाब से नवा तो से कौन है सोम हनी हैज सोम हनी हैज काउंटेबल नाउन नुहे अनकाउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन सब सिंगुलर भाव नहीं था है ला? नेक्स्ट तो फ्रेंड्स जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ अंगनवाड़ी सुपरभाइजर जो मैंने प्रिपेरेशन करूँ गोटे स्पेशियल क्लास आरंभ हो जीएस जनरल स्टडी सब टॉपिक कवर कराइब एवं कंप्यूटर यही क्लास जो करेंगे तो 299 आपड़ एडमिशन करेंगे व्हाट्सएप नंबर आरंभ रही दिखाई से मेसेज करें देखा आउ क्लास स्टार्ट तीन टा क्लास यदि जॉइन करेंगे प्रीवियस वीडियो आपको मिल पार रिकॉर्डेड वीडियो मिल पार पीडीएफ मिल पार। तापर देखा ए होल रेजिमेंट ऑफ वॉलंटियर्स डैश वर्किंग हियर ए होल रेजिमेंट ऑफ वॉलंटियर्स डैश वर्किंग हियर ए फ्लॉग ऑफ बर्ड्स डैश फ्लाइंग इन द स्काई ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स डैश गोइंग टू द मॉक।
ତ ଦେଖ ସବୁଥିରେ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଅଛି, ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର୍ସ, ବାର୍ଡ଼, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ, ଯଦି ତୁମର ଏ ହୋଲ୍ ଲାଗିଲା, ଏ ଫ୍ଲକ୍ ଅଫ୍ ଲାଗୁଛି, ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଲାଗୁଛି, ଏ ହର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଲାଗୁଛି, ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏଠି ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଇବ୍ ସବୁବେଳେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ହେବ। ଏ ହୋଲ୍ ରେଜିମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର୍ସ ୱାଜ୍ ୱାର୍କିଂ ହେୟର, ଏ ଫ୍ଲକ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ୱାଜ୍ ଫ୍ଲାଇଂ ଇନ୍ ଦି ସ୍କାଏ, ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ୱାଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଦି ମଲ୍। ତ ସବୁ ୱାଚ୍ 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 ହେବ। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଦେଖିବା, ସ୍ଲୋ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଡି ଡ୍ୟାସ୍ ଦି ରେସ୍, ଏଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବେକନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ହିଜ୍ ଫେଭରାଇଟ୍ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ। ତ ଏଥି କ'ଣ ହେବ ନା, ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଯଦି ଦୁଇଟା କଥା ଥିବ ଏବଂ ପାଖାପାଖି ସମାନ ମିନିଂକୁ ବୁଝାଉଥିବ, ହେଲା, ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଗୋଟିଏକୁ ବୁଝାଉଥିବ, ସ୍ଲୋ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଡି ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଙ୍ଗୁଲାର ବାହାରିବ ୱିନ୍ସ। ଏଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବେକନ୍ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଟାଇପ୍ର, ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଚ୍ ହିଜ୍ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ହେବ। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ଦି ଜୁରି ଡ୍ୟାସ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇନ୍ ଦେୟାର ଓପିନିଅନ୍। ଜୁରିଟା ହେଉଛି ତୁମର ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟିଭ ନାଉନ୍, ଏବଂ ଏଇଟା ସିଙ୍ଗୁଲାର ବି ହେଇପାରେ, ପ୍ଲୁରାଲ୍ ବି ହେଇପାରେ। ଜୁରି ମାନେ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ଡିସିଜନ୍ ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ହେବ। ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବେ, ଏ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯଦି ଜୁରି ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ରାୟ ଯଦି ଦେଲେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ହେବ, ଅଲଗା ଅଲଗା ରାୟ ଯଦି ଦେଉଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଅଲଗା ଓପିନିଅନ୍ ଯଦି ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ଲୁରାଲ୍ ହେବ। ତ ଦି ଜୁରି ଏଠି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ହେଇଗଲା କହୁଛି, ଦି ଜୁରି ୱେର୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇନ୍ ଦେୟାର ଓପିନିଅନ୍ସ, ଅପସନ୍ ଟୁ। ନେକ୍ସଟ ଦି ମବ୍ ଗେଦର୍ଡ କ୍ୱିକ୍ଲି, ଦି ମବ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଗେଦର୍ଡ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍। ଦେଖ ସେ ମବ୍ କଥା ଅଛି, ଏଠି ମବ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରନ୍ତି, ବିଦ୍ରୋହ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଏ। ତ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଗେଦର୍ ହେଇଗଲେ, ମବ୍ ମବ୍ ଏଠି ସିଙ୍ଗୁଲାର ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମବ୍ ସ୍କେଟର୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ମାନେ ମବ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିବେ, ଜଣେ ଇଆଡ଼େ ପଲେଇବ, ଜଣେ ସିଆଡ଼େ ପଲେଇବ, ଯଦି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଦି ମବ୍ ହେଜ୍ ହେବ ଫାର୍ଷ୍ଟଟା, ଦି ମବ୍ ୱେର୍ ହେବ ସେକେଣ୍ଡଟା। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖିବା, ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡ୍ୟାସ୍ ଲେଜି, ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଟିଚର୍ ଡ୍ୟାସ୍ ବିଜି। ତ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଯଦି ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଲାଗୁଛି, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଗୋଟେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ କରାହେଇଛି, ଭେରି ସିମିଲାର ଟେଷ୍ଟ ଯେକୌଣସି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ, ଯଦି ଚାହିଁବେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସକୁ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ଟା ପ୍ଲୁରାଲ୍, ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଯଦି ଲାଗୁଛି ସବଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ ବାହାରିବ, ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଲେଜି, ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଟିଚର୍ ଇଜ୍ ବିଜି। ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଗିଲା ମାନେ ସବଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ ବାହାର, ତ ଆର୍ ଇଜ୍। ତ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କୁହାହେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ଏଇଟା ପିଇଓ ପାଇଁ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟା, ଏବେ ତୁମେ ଯଦି ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ଆର୍ଆଇ ଅମିନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛ, କିମ୍ବା ଫରେଷ୍ଟର୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛ, କି ଏଲ୍ଏସ୍ଆଇ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛ, ତୁମେ ନେଇପାରିବ। ତ ଏବେ ତୁମର ମ୍ୟାଥ୍ ଇଂଲିଶ ଓନ୍ଲି 79ରେ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେଜ୍ରେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରେ ଦିଆହେଇଛି, ତୁମେ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଡିଲ୍ ଅଫ୍ ମନି ଡ୍ୟାସ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ ଫର୍ ହିଜ୍ ମଦର୍ସ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ସମ୍ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ, ଏ ଲପ୍ଟପ୍ ପିପୁଲ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଟ୍ ଦି ମିଟିଂ। ତ ମନିଟା ସବୁବେଳେ ତୁମର ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ନାଉନ୍, ତ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଡିଲ୍ ଅଫ୍ ମନି, ମନିଟା ଯେହେତୁ ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ନାଉନ୍, କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ସିଙ୍ଗୁଲାର ବାହାରିବ, ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଡିଲ୍ ଅଫ୍ ମନି ୱାଜ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ। ସମ୍ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ସମ୍ ଅଫ୍ ଯଦି ଲାଗୁଛି ସବଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ ବାହାରିବ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ଏଠି ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଅଛି, ପ୍ଲୁରାଲ୍ ବାହାରିବ, ସମ୍ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ୱେର୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ, ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍, ପିପୁଲ୍ଟା ମଧ୍ୟ ତୁମର କ'ଣ ପ୍ଲୁରାଲ୍, ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ୱେର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଟ୍ ଦି ମିଟିଂ, ପିପୁଲ୍ଟା ସବୁବେଳେ ପ୍ଲୁରାଲ୍। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଟୁ ଥାର୍ଡ଼ସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏପଲ୍ସ ଡ୍ୟାସ୍ ରୋଟନ୍, ଟୁ ଥାର୍ଡ଼ସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏସିଡ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଇଭାପୋରେଟେଡ୍। ଟୁ ଥାର୍ଡ଼ସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏପଲ୍ସ, ତୁମର ଯଦି ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଫ୍ରେକ୍ସନ୍ ଲାଗୁଛି, ଟୁ ଥାର୍ଡ଼, ଥ୍ରୀ ଫୋର୍ଥ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସବଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ ଭାର ହେବ। ତ ଏପଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଅଛି, ତ ଆର୍ ହେବ। ଟୁ ଥାର୍ଡ଼ସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏସିଡ୍, ଏସିଡ୍ ଆସ୍ ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ନାଉନ୍, ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭାର ହେବ, ଟୁ ଥାର୍ଡ଼ସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏସିଡ୍ ହେଜ୍ ଇଭାପୋରେଟେଡ୍, ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ
नो चाइल्ड डैश्ड ऑन दिस वर्क नो चिल्ड्रेन डैश्ड ऑन देयर होमवर्क जदि नो लगुच्छे सेन्टेन्स आरंभर ताहले सब्जेक्ट हिसाब से भाग नो चाइल्ड चाइल्ड सिंगुलर हैज डन नो चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन प्लुराल हैव डन देयर होमवर्क हे तो आम आज ये रखा बहुत सारा क्वेश्चन अच्छी जदि भल लगुच कमेंट करूँ पार्ट टू आम आ सब्जेक्ट भार एग्रीमेंट सारीदे निहाती भाव फ्रेंड्स मानक सेयार करूँ टेलीग्राम चैनल रो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दिया है निहाती भाव जॉइन करूँ।